लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसरार, इतनी रात हो गई, वो अभी तक नहीं आए। मेरा तो दिल घबरा रहा है और ये मुई बाई आंख में फड़के जा रही है। घबराइए मत भाई जी, ये कोई नई बात है। खान साहब को तो खतरों से खेलने की आदत है, मामला ठंडा होते ही वापिस आ जाएंगे। हे परवरदिगार, खैर रखना। क्यों दरावर, हराम ज्यादा बका कि नहीं बका? बस सब चमड़िया साले की, कुछ बोलता ही नहीं है। बोल। बकेगा अभी बकेगा हराम ज्यादा। इधर ला ये हराम ज्यादा। बकेगा और कुत्ते, तुझे किसने हमारी मौत का जाल बिछाने के लिए कहा था? बोल, नहीं तो ये चमड़ी जलाकर नरम कर दूंगा हराम सौदे। बोल, तुझे किसने भेजा था? कालिया, इस हरामजादे पे नजर रखना, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है जब तक ये जबान नहीं खोलता। आओ जरावर। सॉरी आई एम लेट, आइए जरा ये फाइल पकड़ लेना। जानती हो क्या, जिस ट्रक ड्राइवर ने तुम्हें लिफ्ट दी थी, हाँ, इससे पहले कि वो अदालत आकर अपना बयान दे, हाँ, दुर्जन सिंह और उसके साथियों ने उसे मार डाला। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। यही तो मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने दुर्जन सिंह और उसके साथियों के सारे काले कारनामों का लेखा जोखा इस फाइल में दर्ज कर दिया है। देखना, एक ना एक दिन उसे अपनी करनी का फल जरूर मिलेगा। ऐसी बातें करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? पुलिस वाला हूँ ना, रोमांस करना नहीं आता। आइसक्रीम खिलाना तो आता है ना, वो देखो उधर। कमिन। क्या बात है मैडम, आपने तो पहली बार में ही किला फतेह कर लिया। मैंने भी बॉस से पूछे बिना आपको शो करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ कमी रह गई तो पिंटो साहब मेरी छुट्टी कर देंगे। कमाल कर दिया बस आपने। आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। चेंज तो आप बाद में करना मैडम, पिंटो साहब ने अभी तुरंत आपको बुलाया है। कह रहे थे मैडम का कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कर दो। जाइए, पिंटो साहब ऊपर अपने सूट में आपका बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। कम इन, दरवाजा खुला है। वेलकम। कंग्रेचुलेशंस, तुम बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सर, मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया। पसंद तो हमें तुम भी आया, हम सोचते हम तुमको हमारा क्लब में परमानेंट डांसर बना देगा। मगर मगर क्या सर, उसके बदले हमें क्या मिलेगा? आप जो भी चाहें सर। स्मार्ट गर्ल, बहुत समझदार हो। लेट्स सेलिब्रेट योर न्यू अपॉइंटमेंट। Thank you.
ये दुनिया का सबसे अच्छा स्कॉच है। चीज। इसे पीकर देखिए, इसका नशा दुनिया भुला देगा। क्यों नहीं, ये तो तुम्हारे होंठ से छू कर आया है। चीज। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? क्योंकि शराब में जहर है। जहर? याद करो पिंटो, कई साल पहले तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम सिंह की मीठी जिंदगी में जहर घोल दिया था। आज वही जहर तुम्हारी मौत बनकर आया है। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। लगता है किसी सांप ने काटा है। सांप ने? आज के शो में उस डांसर के पास एक सांप था। डांसर? कौन थी वो? पिंटो साहब ने क्लब के लिए एक कैबरे डांसर की फरमाइश की थी तो मैंने अखबार में इश्तहार दिया था। आज रात एक लड़की आई जिसने इतना बढ़िया डांस किया कि पिंटो साहब खुश हो गए और बाद में उन्होंने उसे अपने स्वीट में भेजने के लिए कहा था। उसका कोई अता पता, कोई तस्वीर? नो सर, वो आज ही तो आई थी। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर राकेश वर्मा है। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्थान का अध्यक्ष प्रोफेसर त्रिवेदी बोल रहा हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आज के समाचार पत्र में जो मिस्टर पिंटो की रहस्यमय मौत का समाचार है, मैंने बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ा है। मेरे विचार में इस हत्या के पीछे किसी विषकन्या का हाथ है। विषकन्या? जी हाँ, हमारे वेदों और पुराणों में प्राचीन काल में विषकन्याओं का उल्लेख है। देखिए प्रोफेसर त्रिवेदी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। कानून को जरूरत होती है गवाहों और सबूतों की। ये आपके प्राचीन कालीन इतिहास और माइथोलॉजी के बल पर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट किसी को कातिल नहीं साबित कर सकता। आपके सुझाव का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। गुड बाय। खान साहब हैं? आप कौन हैं? जी, उनके दोस्त लोकचंद जी ने ये खत भेजा है। खत? यह मौत का परवाना? जी, मैं समझी नहीं। पहला खत भी आप ही लाई थी ना? जी। जानती हैं उसका अंजाम क्या हुआ? हाँ, उसी दिन से वो लापता है। लेकिन क्यों? इसका जवाब तो आप त्रिलोकचंद जी से पूछेगा। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ओम। क्या बात है लाला, आज सुबह सुबह जय शिव शंकर की रट लगा रखी है? अरे हम तो समझे थे कि रात की खुमारी अभी उतरी नहीं होगी तेरी। अरे खबर सुनोगे ठाकुर तो खुमारी क्या होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। अरे ऐसी क्या खबर लाए हो लाला जिससे हमारे होश उड़ जाएंगे। क्लब में कल रात पिंटू का कत्ल हो गया। हाँ, लाश का रंग नीला पड़ गया था। मौत जरूर सांप के जहर से हुई है। सांप के जहर से? कल रात उस डांसर के पास एक सांप था ना?
कहाँ है वो लड़की? मेरे बदले की आग का एक शोला तुमने बुझा दिया जिसका नाम था पिंटो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्त, मेरे धधकते हुए दिल को उसी दिन ठंडक पहुंचेगी जब अखबार की सुर्खियों में बाकी तीन नाम भी छपेंगे। अंकल आओ बेटी, मुझे तुम्हारा इंतजार था। खान ने क्या कहा? वो तो उसी दिन से लापता है जिस दिन से वो आपका काम करने निकले थे। इसका मतलब पिंटो का खून करके वो वापस ही नहीं लौटा, शायद पूरा काम करके ही आएगा। अंकल। हाँ बेटी। मैंने आपका खत पढ़ लिया है। ये कैसे बदले की आग आप अपने सीने में छुपाए बैठे हैं अंकल? अगर आप सचमुच मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मुझसे अपना दर्द बांटते क्यों नहीं? क्या बताऊं बेटी, 11 साल पहले की बात है। 4 दरिंदों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया, मेरी बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया, मेरे घुटने तोड़कर हमेशा के लिए मुझे अपाहिज बना दिया। मैं बस इसी उम्मीद में इस जिस्म को ढोए जा रहा हूं, जिस दिन दुनिया से उन दरिंदों का वजूद मिटे, मैं अपनी लाडली बेटी और दामाद का श्राद्ध करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचा सकूं। बस इसी काम में खान मेरी मदद कर रहा है। आपकी बेटी और दामाद ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? मेरा दामाद शेषपुर गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर था और वहां पर ये लोग। क्या नाम था उनका? विक्रम सिंह, और बेटी का नाम सोनाली। उनकी एक बच्ची भी थी, मुन्नी। लेकिन तुमने तो नाना को देखा ही नहीं। अरे बिटिया, रोज ही तो देखता हूं, यही तो है तुम्हारे नाना। बेटी। जी अंकल। सुनो, देखो बेटी, राकेश को यह बातें भूल से भी मत बताना, नहीं तो खान को वो मेरा काम नहीं करने देगा। नहीं बताओगी ना? प्रॉमिस। मां काली के सामने जो तूने कसम खाई थी वो अब तक अधूरी है। अभी वक्त नहीं आया कि तेरे नाना को तेरी असलियत का पता चले। ए निशा, नीचे आओ। निशा जी, आज आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अरे खामोश क्यों हो? इतनी खूबसूरत रात है और तुम्हारा साथ है, चलो कहीं घूमने चलें। नहीं, त्रिलोक जी से पूछे बिना अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, जो मुझे बेटी की तरह प्यार करता हो उसे मैं धोखा नहीं दूंगी, और आइंदा तुम्हारे लिए उनकी जासूसी भी नहीं करूंगी। लेकिन निशा? राकेश, भगवान के लिए तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ, चले जाओ। भाई नहीं सुनता, ये फ्लोर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम क्या है? सर वो FSI का प्रॉब्लम। ओहो भैया, तुम इस फ्लोर की तरफ ध्यान दो, FSI का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। जी। हमारी पॉइंट बहुत ऊपर तक है। बहुत ऊपर तक है हमारी पॉइंट। अच्छी है। हेलो हेलो,
जय शिव शंकर। सीढ़ी से प्रॉपरली आता हूँ। बनाने वाले ने भी क्या बनाया है, बनाना। अब तू खा। अब तू तेरे होठों से लगकर गुलाब जामुन हो गया होगा ये। आओ। क्यों बचा लूं? जब तेरे साथियों ने मिलकर मेरे बाप विक्रम सिंह का खून किया था, क्या तूने बचाया था? जब मेरी माँ के साथ जबरदस्ती की थी तब तुझे बहुत मजा आया था। अब जा मजे कर तेरे दोस्त पिंटो के साथ नरक में। अरे जल्दी करो, अरे जल्दी पानी में गिर गए, जल्दी आओ मार के निकालना जल्दी। अरे आराम से पकड़ो, आराम से उठाओ। शाबाश शाबाश, आराम से निकालो, आराम से शाबाश। अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, ऊपर से गिरे साहब वहां से। लाला जी को ऊपर जाते हुए देखा किसी ने? मैंने साहब। इनके साथ और कोई था? एक नई लड़की थी साहब, आज ही आई थी काम पे, मैंने कभी पहले नहीं देखी। ठीक पिंटो की तरह इस वारदात में भी लाश का रंग नीला और एक लड़की। हमारे जिस मजबूत किले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, आज उसकी दो दीवारें गिर चुकी हैं। इससे पहले कि कोई तीसरी दीवार गिरे, हमारा यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि कोई लड़की और सांप के चक्कर में हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है। ऐसी कौन सी जहरीली नागिन पैदा हो गई जोरावर, जिसकी खाल हम आज तक नहीं उधेड़ सके? खाल तो तुम्हें अपनी बचानी है दुर्जन। अगर तुम उसके जहर से बच भी गए तो कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाओगे। जिस गिरफ्त का तुम दम भरते हो इंस्पेक्टर, उससे तो हम अपनी चालाकी से हमेशा ही बचते आए हैं। यह तुम्हारी चालाकी नहीं, कानून की मजबूरी है।
जो अब तक शक को सबूत में नहीं बदल सकी। लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि उस सांप वाली लड़की का अगला शिकार तुम दोनों में से कोई भी हो सकता है। तुम लोगों की उससे क्या दुश्मनी है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस केस की तह तक पहुंचने के लिए अगर तुम लोगों ने कानून की मदद की तो पुलिस तुम्हारी पूरी हिफाजत करेगी। हिफाजत? बच्चे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी जो हम तुम्हारी मदद के मोहताज हों। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, जेल में रहकर जीना है या बाहर रहकर मरना। जवानी और उम्र बड़ी कीमती चीज है खान, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? बोल। ये बर्फ पिघलने लगी है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पिघली। दुर्जन कुछ बोलता ही नहीं है। बोलेगा, आज जरूर बोलेगा। लाओ रे, छोड़ो। कहा था ना, बोलेगा। देख, अपने मर्द को समझा, किस भरी जवानी में तुझे बेवा क्यों करना चाहता है? या तो इसकी जबान खुलवा या अपनी जबान से बताओ कि नौटंकी के बहाने हमारा खून करने के लिए तुम लोगों को किसने भेजा था? ये कुछ नहीं जानती। नहीं, ये कुछ नहीं जानती। तुम मुंह नहीं खोलोगे और ये कुछ जानती नहीं तो हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? नहीं, नहीं, इन्हें मत मारो। मैं बताती हूँ। बता। नहीं शमा, नहीं। एक लड़की के हाथों जेल के एक साथी त्रिलोक चंद ने इनके नाम एक खत भेजा था। शाबाश शमा भाई, शाबाश। इन दोनों को रिहा कर दो। कर दो रिहा इन दोनों को। जिंदगी से